हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोटेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के इकोनॉमिक आइडियाज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय पर इन्होंने कई सारे आप कह सकते हैं ओवरऑल जो इनका पॉलिटिकली जो इनका रोल रहा है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा रहा है। इकोनॉमिक इनके कुछ आइडियाज़ हैं जो कि बेसिकली देखिए जब भी हमने इंडियन इकोनॉमिक थॉट की जब से हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किए चाहे वो एमजी रनाड़े हो चाहे वो आरसी दत्त हो दादा भाई नौरोजी हो इन सब ने क्या किया इंडिया की जो पॉवर्टी है या बैकवर्डनेस है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उसके लिए कुछ रेमेडीज़ दी हैं या फिर उसके लिए कुछ उसके रीजन्स बताए। इन्होंने कुछ अपनी कोई वैल्यू की थ्योरी नहीं दी है या जो यूरोपियन जो इकोनॉमिक थिंकर्स होते वैसा कुछ रेंट पर नहीं बोला है कुछ इंटरेस्ट पर नहीं कोई बड़ी बड़ी इकोनॉमिक थ्योरीज़ नहीं दी है बल्कि इन्होंने क्या किया है ओवरऑल जो ये इंडियन लीडर्स हैं इन्होंने ब्रिटिशर्स को हो या तो जैसे आप देखते हैं जो आरसी दत्त है या नौरोजी है वो ब्रिटिशर्स को पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले भी जो ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया पर जिस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी से उन्होंने स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया तो उन सब चीज़ों के ही खिलाफ या उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड इनके भी इकोनॉमिक आइडियाज़ है। किस तरीके से इंडिया को पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ एक इकोनॉमिक फ्रीडम की भी ज़रूरत है इसकी गोपाल कृष्ण गोखले बात करते हैं। देखिए पॉलिटिकल बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आपने सुना होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दो फेजेस हो गए थे या आप कह सकते हैं दो पार्ट्स थे एक थे मॉडरेट्स एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स यानी जो नॉर्मल जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे उनसे जस्टिस चाहते थे और धीरे धीरे मतलब ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा हटा करके रूल हटा करके नहीं वो चाहते थे बल्कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा दिया जाए और इंडिया सेल्फ रूल करे इस तरीके से। तो जो मॉडरेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी काफ़ी मॉडरेट रही है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भी इन्होंने ब्रिटिशर्स की बुराई नहीं करी है। साथ ही साथ ये महात्मा गांधी जी के भी पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। अब देखेंगे हम इनके मेन जो इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर कंट्री को आप कह सकते पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए तो उससे पहले उसे इकोनॉमिक फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी ये ताकि बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो पॉवर्टी का जो स्टेट है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सब इम्प्रूव हो सके। लोग गरीबी से अगर पहले बाहर आएंगे तभी तो वो कुछ पॉलिटिकली कोई स्टेट बनाने का या एक कंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर लोग गरीबी में ही जी रहे हैं तो फिर उनका जो पॉलिटिकल थॉट भी है वो भी उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं साउंड नहीं होगा। सो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। अगेन देखिए क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो महात्मा गांधी जी ही ने जब स्वदेशी का जैसे दिया था जो कंसेप्ट या सेल्फ रिलायंस का सेम चीज़ें गोखले ने भी दी है उन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया या आप कह सकते हैं उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जैसे इंडियन मेड गुड्स या फिर जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करने की इन्होंने बात की और इंडिया को एक तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाने की बात करी। अब इंडियन फाइनेंस को लेकर के इनका क्या व्यू था देखिए पब्लिक फाइनेंस की हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है हम लोग बजट की बात करेंगे। सो बजट के रिगार्डिंग ये क्या कहते थे कि सरप्लस बजट जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था जो ब्रिटिशर्स थे वो सरप्लस बजट में बिलीव करते थे। सरप्लस बजट क्या होता है कि आप एक्सपेंडिचर कम करो और आप जो अपना जो रेवेन्यू है वो आपका ज़्यादा हो। सो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की इंडिया में ये अच्छी नहीं है क्योंकि जितना ज़्यादा सरप्लस बजट होगा उससे क्या होता है कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपने जो फिजूल खर्च है या जो एक्स्ट्रा वेजेंट उसकी जो भी पॉलिसीज है उन पर ध्यान ही नहीं देती है क्योंकि उसके पास रेवेन्यू तो ज़्यादा ही है भाई और खर्चा उसका कम हो रहा है लेकिन वो खर्चा अगर फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है तो वो भी क्या है इंडिया के लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है या किसी भी देश के लिए हार्मफुल तो इस वजह से
सरप्लस बजट को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। साथ ही ये एक और रीजनिंग देते हैं कि यार जो रेलवेज़ जब वहाँ पर बन रही थी इंडिया में उस टाइम पर, इनके टाइम पर, तो उसमें जो डेप्थ आया इंडियंस पर, या आप कह सकते जो जो भी मतलब ओवरऑल इंडिया में जो बनाने का खर्चा आया उसका जो डेप्थ था वो सरप्लस बजट से निकलता था। यानी जितना भी टैक्स पेयर्स का जो पैसा था, जो एक्स्ट्रा पैसा था, उसमें से ये लोग डेप्थ का भुगतान करते थे। तो ये भी एक तरीके से गलत माना गया गोखले के द्वारा। इन्होंने कहा कि यार अगर ये कमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए रेलवे का इस्तेमाल होगा तो इसका पैसा इंडियंस क्यों देंगे, या फिर इंडियंस के जो इंडियन जो टैक्स पेयर से उनके जो हार्ड अर्न मनी है उसमें से क्यों पैसा जाएगा। सो इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने ये बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर या फिर जिस तरीके का बजट फॉर्मेशन हो रहा है इंडिया में उसको लेकर के क्रिटिसिज्म किया ब्रिटिशर्स का। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि स्पेशली ट्रू ऑफ द कंट्री इज़ लाइक इंडिया वेयर पब्लिक रिवेन्यूज आर एडमिनिस्टर्ड अंडर नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहते हैं कि ऐसे देश जहाँ पर किसी भी तरीके की किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, एक किसी फॉरेन गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, इंडिया की खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर किसी से क्या ही मतलब है कि किस चीज़ पे क्या खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से सरप्लस बजट तो होना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी और भी जो प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश के टैक्स सिस्टम के साथ, जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई कि जो लैंड रिवेन्यू था या फिर आपका जो भी रिवेन्यू जो प्रोविंसेस को मिल रहा था, ये क्या कहते थे, अभी हम लोग इनका नेक्स्ट जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी ये कहते हैं कि एक तरीके से कुछ जो ओवरऑल जो इंपीरियल गवर्नमेंट है, जो पूरी ब्रिटिश की सरकार है, वो तो अमीर है, लेकिन जो प्रोविंसेस है, अलग अलग जो लोकल लेवल पे जो स्टेट्स हैं या फिर जो आपके दूसरे छोटे मोटे प्रोविंसेस हैं, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गरीब हो जा रहे हैं। ठीक, इन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया था कि किस तरीके से जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है या कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू है वो भी बहुत ही फॉल्टी है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि आप अपने पास तो पैसा रखो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं उनमें भी एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके लिए इन्होंने एक स्कीम भी दी थी कि ओपीएम, सॉल्ट, कस्टम्स, इन सबको जो है ये सब का जो पैसा आएगा वो इंपीरियल गवर्नमेंट को देना चाहिए। और क्यूनिनियल रिवेन्यू सिस्टम, क्यूनिनियल मतलब होता है, सॉरी क्यूनियल, ऐसे जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होता है 5 वर्षों के लिए जो रिवेन्यू का सेटलमेंट है वो आपको जो भी पैसा, जो भी रिवेन्यू मिलता है वो लोकल बॉडीज़ को आपको देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगेन देखिए जो महात्मा गांधी ने जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, सेम चीज़ गोपाल कृष्ण गोखले भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो पावर है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर केवल ब्रिटिशर्स के हाथ में या बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोकल बॉडीज़ या लोकल जो लेवल है, विलेज लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी एक कुछ ऐसी पावरफुल बॉडीज़ होनी चाहिए जिनके हाथ में कुछ पावर हो। इसके बाद इन्होंने कई ज़्यादा जो ड्यूटीज़ ही इस पे टैक्स बढ़ाया जाता था, या सॉल्ट पर टैक्स बढ़ा देना ब्रिटिशर्स के द्वारा, या आपकी अलग अलग तरीके की आपकी जो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देना इंडियन कॉटन गुड्स पे, इन सब चीज़ों को इन्होंने ओवरऑल क्रिटिसाइज़ किया गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्योंकि ये एक मॉडरेट लीडर थे तो इनका मेन काम ही क्या था कि जो फॉल्ट्स हैं या जो भी ये प्रॉब्लम्स है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको ये पॉइंट आउट करते रहते थे। इसके बाद इन्होंने जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है, ये रैयत वाली सिस्टम जो होता है या रैयत वाली जो सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करते थे। इसमें क्या होता था कि मतलब एक फिक्स कर दिया जाता था कि कितना पार्ट या कितना पैसा आपको देना होगा एक सेटलमेंट, जो कि 30 साल से ज़्यादा तक के टाइम पीरियड के लिए नहीं होता था। तो इसमें इन्होंने रैयत वाले सिस्टम को आप कह सकते सपोर्ट किया था। और साथ ही में इन्होंने कहा था कि जो ये पैसा जो देना पड़ता है वो 20% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे 20% ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैक्स या फिर आपका जो रेवेन्यू है वो सरकार को नहीं देना चाहिए। अगेन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे हमने पब्लिक फाइनेंस की बात करी थी, सेम पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्सपेंडिचर जो इंग्लिशमैन कर भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत ही फालतू के खर्चे कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी इंडिया में बना करके रखा है या जो उन्होंने अपनी आर्मी को यहाँ पर लॉन्च करके रखा है उसका पैसा भी हम लोग क्यों दें, इंडियंस क्यों उसका टैक्स पे करेंगे। साथ ही ये कहते हैं कि जो आपके जो भी चीज़ें हो रही है, जो अगर रेलवे भी बन रही है तो उसका पैसा भी इंडिया से ही लिया जा रहा है, या फिर ये बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। ये कहते थे कि जो आर्मी का पैसा है वो यूरोपियंस को या फिर ब्रिटेन को भी देना चाहिए। गोखले पॉइंटेड आउट दैट इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर वॉज कंट्रोल्ड बाय टैक्स पेयर्स, बट इन इंडिया देयर वॉज नो पॉपुलर कंट्रोल ओवर
पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से, यानी अंग्रेज़ों के ही प्रॉफिट में जा रहा था और इंडियंस को बहुत ज़्यादा उससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ पब्लिक डेब्ट जो इंडिया का है वो बढ़ता चला जा रहा था। अब आप रेलवे बना रहे हो और उसका पैसा किस पे जा रहा है, या उसका जो बोझ है वो किस पर जा रहा है, इंडियंस पर जा रहा है या इंडियन टैक्स पेयर्स पर जा रहा है। देखिए इन्होंने कुछ रेमिडीज़ भी दी हैं, ये सेम पैटर्न है एक तरीके का। इंडियन जो इकोनॉमिस्ट रहे, चाहे वो आरसी दत्त या नौरोजी, ये क्या कहते हैं, ये पहले क्रिटिसाइज करते ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर उसके उससे इंप्रूवमेंट के लिए कुछ रेमेडीज देते। सेम चीज गोपाल कृष्ण गोखले के साथ भी है। इन्होंने क्या कहा कि जो सरप्लस बजट अगर है भी तो वो क्या है, वो अच्छी चीजों में आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, या एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर जो है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए ये, और इंडियंस को इक्वल सैलरी देनी चाहिए, और सभी चीज़ों का ऑडिट अलग से इंडिपेंडेंट फॉर्म में करना चाहिए। हिसाब किताब का पूरा जोड़ घटाना, सब कुछ प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गोपाल कृष्ण गोखले ने बोली। अब देखिए एजुकेशन को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एजुकेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सपोर्ट करते थे कि जितना आर्मी और रेलवेज को अटेंशन मिलता है उतना ही एजुकेशन को भी मिलना चाहिए। ट्रेड के लिए ये क्या कहते थे, ये फ्री ट्रेड पॉलिसी को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज करते थे। ये कहते थे यूरोपियंस की ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है इससे इंडियन मार्केट्स को बहुत नुकसान होता है, इंडियन जो गुड्स है उनको कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिल पाता, उनके लिए बहुत ही खराब चीज है। और ये कहते हैं कि अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो वहां पर प्रोटेक्शन की पॉलिसी को तो लागू करना ही पड़ेगा, और जो कि काफ़ी हद तक उस टाइम पर सही भी थी। सो ये डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को और इन सब चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्शन को इम्पॉर्टेंट मानते थे। अब हम लोग एंड में देखेंगे इनका इंडियन इकोनॉमिक थॉट में प्लेस। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं ग्रेट पॉलिटिकल लीडर है, मगर इकोनॉमिक आइडियाज़ इनके उतने ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या बहुत ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंस वाले हैं नहीं। फिर भी इन्होंने जो भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें बोली वो थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमिक थॉट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। साथ में इनका जो स्वदेशी मूवमेंट है या इंडियन गुड्स को सेफगार्ड करने की, इंडियन गुड्स को प्रमोट करने की बातें जो इन्होंने की, ये भी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। गोखलेज आइडियाज़ कंटिन्यू टू हैव अ रेलेवेंस एंड इन्फ्लुएंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री। और तो ये था हमारा गोपाल कृष्ण गोखले के जो भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक आइडियाज़ थे। आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।